क्या बात है, बोली चल कितनी देर। अरे यार टप्पू, मुझे नहाने देना यार आराम से। आज तो एटलीस्ट दो तीन घंटे तो नहाऊंगा यार। क्या व्यू है, नहाने का अलग ही मजा आ रहा है यार। ठीक है फिर तू दो तीन घंटे तक नहाते रहे, फिर भीड़ अंकल डांटेंगे तो मुझे मत बोलना। यार छोड़, वेकेशन में भीड़ अंकल की डांटने का नहीं, आता हूँ। बाय, सी यू सून। जा जीवेगा ना तो। ए जेठिया, जेठिया। हाँ बाबूजी। जेठिया। हाँ बाबूजी, क्या मस्त नजारा है। नहीं क्या हुआ बाबूजी? जेठिया, ये जहाज ज्यादा हिलेगा तो नहीं ना? नहीं। तू आया है यहाँ पहले? नहीं नहीं तो तुझे कैसे मालूम? अरे लोग बोलते हैं बापूजी कि इस टाइप के जो जहाज होते हैं ना, एकदम बैलेंस वाले होते हैं, बिल्कुल ही हिलता डुलता नहीं है। अच्छा, अगर ये जहाज ज्यादा हिलेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे? मतलब मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी जेठिया। नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे उतरना है। अरे बापूजी ऐसे नहीं उतर सकते, अभी ये जहाज तो निकल पड़ा है, मंदिर ही आ गया है। अरे निकल पड़ा है तो क्या, उसे बोल के वापस ले ले जमीन पे। अरे बापूजी का स्कूटर थोड़ी है कि ऐसा टर्न मारा, हैंडल घुमाया तो पहुंच गए वापस जमीन पे। ऐसे वापस नहीं जा सकते। आप चिंता मत करो बापूजी, ये जहाज पे हजारों लोग होते हैं। हजारों? हाँ, वो संदेश में नहीं लिखा था कि इस टाइप का जहाज तो पानी पे घूमता फिरता एक छोटा शहर है। ये जहाज पे तो कितने थिएटर है, कितने स्विमिंग पूल है, कितने खाने की होटल है, फिर वो शॉपिंग मॉल है, ये सब कुछ इसमें। हाँ बापूजी, अभी आप ही बताइए बापूजी, अगर ये जहाज हिलम डोलम होता तो इतने हजारों लोग इस पे आते? हाँ, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत होकर नजारे का लुत्फ़ उठाइए। देखिए देखिए क्या नजारा है, मस्त है। तो बहुत अच्छा है, मस्त है ना? अरे पोपटलाल, गले मिलो दोस्त, गले मिलो। आज तुम्हारी वजह से हमको इतने सुंदर और आह्लादक जगह पे आने को मिला भाई। हाँ 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 जेठालाल, क्या बात है भाई, आज कमाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हो तुम भाई, आह्लादक क्या शब्द भाई, वाह। थैंक यू मेहता साहब। इसमें क्या है कि जितनी कलंकारिक जगह उतनी कलंकारिक भाषा। जेठालाल, अरे भाई कलंकारिक ना तो जगह है ना कलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा और अलंकारिक जगह। वही 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 अलंकारिक अलंकारिक है। पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी शादी कभी ना हो, तुम ऐसे ही उदास घूमते रहो ताकि हमको उसकी वजह से ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे घूमने को मिलता रहे। ओ भाई ओ जेठालाल, क्या बोल रहे हो? मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, मजाक कर रहा हूँ भाई। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जल्द शादी हो जाए और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुम्हारे साथ तुम्हारे हनीमून पे घूमने आए है। क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे भाई तो अभी क्या रखना है, पहले शादी करनी है, शादी करा दो बाद में उसके बारे में सोचेंगे। ओके ठीक है चलो। अरे यारो, मैं की कहना, आज हो जाए। क्या हो जाए सूढ़ी? और की? अरे की? और मैं आज तुम सबको मखमली रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ। मखमली रास्ता? मखमली रास्ता यानी सिल्क रोड। सिल्क रोड? ये कहाँ है, ये रोड कहाँ है भाई? हाँ समंदर के बीच में रोड कहाँ से आया सूढ़ी? ओ जी चलने वाली रोड नहीं, ये एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है सिल्क रोड। अभी तो खाना खा के आए, अभी कहाँ वापस रेस्टोरेंट जाएंगे? हाँ हाँ सही बात। ओ मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो? मैं पीने की बात कर रहा हूँ। तो पार्टी छाटी
अरे मैं तो फॉर्म ना पार्टी शादी पूरी सिल्क रोड पे बड़ा मस्त माहौल जमता है पार्टी शादी का। आइडिया जोरदार है, सोडी का आइडिया बहुत बढ़िया है, मजा आएगा। पर यारो किसी को भी कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए, और मैंने पता किया है और वहाँ पे बेस्ट डांसर्स डांस भी करते हैं। है? अच्छा डांसर्स मतलब लड़के की लड़कियाँ दोनों? अच्छा ले पोपटलाल तुम्हारा तो काम बन गया। कैसे? अरे कोई कुंवारी डांसर लड़की मिल गई तो उससे शादी करके तुम दोनों पूरी जिंदगी इसी जहाज पे डांस करना है? अरे भाई फिर तुम यही क्रूज पे सेटल हो जाना, हम साल में एक आध बार मिलने आ जाएंगे। चलो 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 यारो फिर हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 कंट्रोल कंट्रोल। वाह 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 सोनी भाई किस जगह लेकर आया तू, कमाल की जगह है तू। कहा दादा बहुत मजा आने वाला, एकदम मस्त जगह है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, समुद्र के बीच में ऐसी जगह मौजूद है और हम इसका लुप्त ना उठाए, पार्टी शार्टी ना करे तो धिक्कार है हम पे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर समुद्र के बीच में आके भी ये ना करे तो ये समुद्र में डूब मरे। अभी तो मैं तो साहब ग्लास में डूब जाओ। वाह मजा आ गया दोस्त। जा गया ना। अरे यार अपन सब तो मजा ले रहे हैं लेकिन भिड़े सुख से वंचित रह गया, कहाँ है वो? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी? अरे नहीं नहीं मैं आप शुभ शुभ बोलिए, आ जाएगा भाई आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं ना इसलिए। छोड़ो ना मेहता साहब, इस माहौल का और डांस का मजा लो जी। पटलाल मजा रहे कि नहीं? सुबह में बोल रहा था 16 नंबर डेक जो है वहाँ स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है, अरे पर यहाँ जो अनुभूति हो रही है वो तो कहीं नहीं है। कसम से ये जहाज है कि क्या है, एक से एक कुछ न कुछ नया नया निकलता ही रहता है। चलो चलो आत्मारा मखमली रोड पे जाते हैं और मस्त पिंकी। सॉरी क्या कर रहे चाचा जी? आप? हाँ मैं, मुझे देख के डर क्यों रहा है? नहीं नहीं डरा नहीं हूँ चाचा जी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप इस डेक में क्या कर रहे हैं, आप तो नए डेक पे रहते हैं ना। मेरी छोड़ तू अपनी बता। बस चल रहा है ये चल रहा है भाई, मुझे ये बता कहाँ जा रहा है तू? मैं ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ, तफरी करने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, और ये जेठिया मैतूस सोढ़ी पोपट ये सब लोग कहाँ है? वो भी गए होंगे तफरी करने सैर करने, अभी इतना बड़ा जहाज है तो घूम रहे होंगे ना कहीं भी। अच्छा तू कौन से माले पे सैर करने जा रहा है? छे छे मैं ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं निकला हूँ, मैं तो देखूंगा सातवां माला, सातवें माले पे ही जाऊंगा मोस्टली। चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ सातवें माले पे टहलने। अरे चाचा जी आप क्यों तकलीफ ले रहे, मैं जाऊंगा ना। उसमें तकलीफ क्या, तू टहलने जा सकता है, जेठिया मैतूस पोपट सोढ़ी सब लोग टहलने जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? ठीक है फिर जाइए आप। ये जाइए वाली जाइए, क्या तू भी चल मेरे साथ। अच्छा नहीं मैं क्या बोल रहा था चाचा जी, अभी कल सुबह जल्दी उठना है तो आप जल्दी सो जाएंगे तो कल जल्दी उठ पाएंगे ना। देख भाई मुझे कब सोना है कब जागना है उसकी चिंता तू मत कर, हा? चल मेरे साथ चल सातवें माले पे साथ में टहलते हैं। चल, चल, चल। अरे चाचा जी साथ साथ ही घूम रहे हैं, इनसे कैसे पीछा छोड़ा हूँ।
बापू जी जैसा करता है, बाकी ऐसा नहीं करता। कभी बांसुरी बनाई? बोलो। चलो जेड़ा अपना एंजॉय करो यार। ओ यार और ड्रिंक ले यार। Excuse me sir, yes how may I help you sir? हाँ, help. आपने हमारे गोकुल नाम के सूरवीरों को कहीं देखा? What? Actually we are looking for our friends. We are a little lost, so I just want to know what is that site? There is a studio theater there, and the show is Household. Oh, thank you very much. You're welcome. क्या बोला? उसने बोला कि आगे कोई जोड़िया थिएटर है और शो भी हाउसफुल है, तो वहाँ पे तो होने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो फिर कहाँ गए होंगे? मुझे लगता है चाचा जी कि वो नौवे माले पे ही कहीं घूम रहे होंगे। चलो चलते। अरे नौवे माले पे नहीं है भाई, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। मुझे लगता है छठे माले पे होंगे। छठे माले पे? चाचा जी कमाल है आप भी, कोई नौवे माले से छठे माले पे क्यों आएगा टहलने के लिए? नहीं नहीं, अभी तो छठे माले पे ही जाएंगे, क्योंकि कोई नौवे माले से छठे माले पे टहलने नहीं जा सकता, पार्टी शार्टी करने तो जा सकता है ना। बाप रे, चाचा जी को डाउट हो गया कि ये लोग पार्टी शार्टी करने गए हैं। अभी चाचा जी को कैसे रोकूं, इन लोग को कैसे कॉन्टेक्ट करूं? चल चल। अगर छठे माले पे चाचा जी गए तो सब पकड़े जाएंगे। क्या सोच रहा है बिल्ली मास्टर? यहाँ से तू फोन नहीं कर पाएगा, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ वही तो। हाँ मतलब वही नेटवर्क नहीं तो कैसे बोलेंगे, मतलब पता करेंगे वो कहाँ घूम रहे हैं। चल चल चल। चाचा जी नहीं है यहाँ पर, क्यों आएंगे? चाचा जी मेरी बात सुनिए। अरे चाचा जी यहाँ पे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे क्यों आएंगे वो लोग? नहीं यहाँ पे क्या हुआ? चाचा जी यहाँ पे नहीं है वो लोग। ये चाचा जी को यहाँ क्यों लेके आ गया? क्या कर रहा है ये? नाचते येड़ा। अरे वो तो मुझे भी देख रहा है, लेकिन ये क्या है? बेचारा पोपटला, वो अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहा है चाचा जी। वो हमारे सामने ठीक होता है, मतलब ऐसा दिखावा करता है कि वो ठीक है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है चाचा जी, वो बहुत मायूस है, इसलिए यहाँ पे आके इधर नाच के। लेकिन तूने तो मुझे बोला था कि वो सैर करने गया है। हाँ तो वो सैर करने ही गया था, तो मैं भी उसे ढूंढने ही निकला था, तो मैंने सोचा कि इस बहाने मेरी भी सैर हो जाएगी, इसलिए मैं बोला कि वो सैर करने गए। चले उसे लेके घर चलते। चलिए। अरे एक मिनट रुक, ये पोपट यहाँ अकेला तो नहीं आया होगा ना? बाकी सब लोग भी यहीं कहीं होंगे। अरे नहीं है चाचा जी, आप देख लीजिए कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है, वो अकेला ही है। चलो इसे लेकर घर चलते, नहीं तो है ना। क्या कर रहा था तुम? वो मैंने कहा ना चाचा जी आपको, वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए फिर अकेलापन दूर करने के लिए वो मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बहुत अकेला लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर घूमते घूमते हम सब
घूमते घूमते कब मैं यहाँ पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पर वो जो सबसे वो लंबी वाली बहन जी थी ना, उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और ऐसे ऐसे। अरे वो सब छोड़, तुझे अकेलापन महसूस हो रहा था तो मेरे कमरे में आ जाता भाई। वो कुछ सूझा ही नहीं ना मुझे चाचा जी, ऐसे लग रहा था ना तो मैं एकदम ऐसे ब्लैंक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कब यहाँ आया पता ही नहीं चला। हाँ ठीक है, चल बस अभी ऐसी मायूसी भरी बातें मत कर, चल मेरे साथ चल। हाँ एक मिनट एक मिनट। ओके एक एक मिनट। हाँ भाई चल। अब क्या करें, कहाँ जाए? अरे जल्दी से जल्दी अपने कमरे में पहुँचते हैं भाई, चलो। बापू जी वहाँ भी आ सकता है चेकिंग के लिए। अगर चाचा जी मेरे पहुंचने से पहले रूम में पहुंच गए तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा, रोशन डाली को सब कुछ पता चल जाएगा और वो तो नाराज हो गए, मैनू ऐसे ही चढ़ के तैर कर इंडिया पहुंच जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी चलो भाई, क्योंकि भीड़े चाचा जी को ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। जल्दी लिफ्ट बुलाओ, लिफ्ट बुलाओ। क्या लिफ्ट बुलाओ, लिफ्ट तो भाई हमें जाना पड़ेगा। चलो चलो। अरे आजा आजा लिफ्ट आ जाओ यार, ये लिफ्ट तो आ नहीं रही, मैं काम करता हूँ सीढ़ियों से चले जाता हूँ। बापू जी वो सोटी। सोटी क्या? सोटी कुछ नहीं। अरे वाह, तो फिर भीड़ है क्यों? अचानक अभी वो सब छोड़ो ना जेठालाल, तुमने वो बैग को कैसा ताला मारा है? चाचा जी खोल नहीं पा रहे बेचारे, उनको चेंज करना है कब से? ताले? ताले क्या? अरे कैसा ताला क्या? बापूजी को पता है कैसा ताला लगा है मैंने? बापू जो नंबर वाला ताला ही तो है। अरे लेकिन नंबर तो तुझे पता है ना, तुझे ढूंढने के लिए मैं तो उसके घर गया। घर मतलब क्या? रूम। वहां मुझे पता चला कि तू तो वहां गया ही नहीं। ऊपर से अंजलि बेटी ने मुझे बताया कि मैं तू तो हमारे रूम पे आने के लिए निकला। हाँ हाँ नहीं, अंजलि ने सही बताया ना, मैं तुम्हारे रूम में जाने के लिए निकला और जेठालाल भाई हमारा प्लान था कब मिलेंगे, तो जेठालाल मेरे पास आने के लिए निकला तो हम लोग रास्ते में मिल गए, तो ना तो मैं आपके रूम में पहुंच पाया ना जेठालाल हमारे रूम में पहुंच पाया। अरे लेकिन तुम लोग थे कहाँ? हम लोग हाँ मतलब हम लोग वो हमने कहा जा रहा नजारा देखते, इतना खूबसूरत नजारा चाचा जी डेक पे, बहुत ही सुंदर नजारा था, तो अचानक जेठालाल को आपकी बहुत याद आई एकदम। जेठालाल बहुत याद आई बापू जी नजारा देख के, तो जेठालाल एकदम भावुक हो गया, बोले ये नजारा तो मुझे बापू जी को दिखाना ही है। हाँ बापू जी, इसलिए मैं आपका बुलाने तुरंत हमारे कमरे पे गया तो आप वहाँ थे ही नहीं, इसलिए तब से हम आपको ढूंढ ही रहे बापू जी, आप कहाँ थे? इतना सुंदर नजारा है ना? इस नजारे के लिए तो क्या कहें अंजलि, दूर दूर तक फैला समंदर, शांत पानी, पानी से टकराती हुई सूरज की किरणें, ये बहती हुई मध्यम मध्यम हवा, अनुपम अद्भुत दृश्य। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे थे? गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया क्रिकेट मैच चला, शानदार बॉल फेंकी और बैट्समैन भी कमाल कर रहा है आज तो। कहाँ कौन कौन खेल रहे हैं? समंदर में? अरे यार तो समंदर में आदमी क्या देखेगा, तुम भी कैसा सवाल करते हो जेठालाल। अरे नहीं मुझे लगा कोई बड़ी मछली देखेगी क्या। जेठालाल अब इस उम्र में कहाँ मछलियाँ देखे भाई। भाई ये उम्र तो अभी मछलियाँ देखने की बची है। अरे नहीं नहीं इस उम्र में तो सुबह सुबह मगरमच्छ मिलते हैं। क्या कुछ भी ऐसे मौसम में मजाक नहीं सूझेगा तो कब सूझेगा, मजाक कर रहे हैं? मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, मजाक समझ आए वैसे तो बात करो। वो तुम छोड़ो ना यार। क्या? नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि मुझे समझ नहीं आता। एक मिनट, मैं मजाक करूंगी ना तारक तो आपको ऐसा समझ आएगा ना। अरे भाई माफ करो ना यार, इतना बढ़िया दृश्य तुम क्या लेके गए? दृश्य देखो, दृश्य। मैंने बोला था डेक नंबर 8 पे मिलते हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है, कोई शिस्त नहीं है कोणाला। अरे कहीं वो लोग अहियां थी स्ट्रेट एम तो नहीं गया? ओ नहीं नहीं मेनू लगदा है इत्थे गए ने। सोड़ी भाई कमाले भाई रोशन सू कई बार बोले छे। अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे रास्ता इधर जा रहा है तो वो भी इधर ही गए होंगे ना, तो भी बड़ी भोली है यार। चलो 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 चलो। क्या हुआ? अकेले हैं आप घूमने? सॉरी
वो मैंने लगता नहीं कि वो मिलेगी यार। अरे कोशिश करते हैं ना भाई। ठीक है, उसको मिलना कि नहीं मिलना उसको तय करने दे भाई। ओके। उधर एक्सक्यूज मी। Can we speak for 2 minutes, please? Yes, of course. myself, Roshan Singh Sodhi. And he is... Golden Crow Award winner, international newspaper Tufan Express. In India, very famous newspaper. I am senior most journalist from that newspaper. Patrakar Popatlal. Man, he's very famous in India. He's like a celebrity. People come and click photographs with him. People come and take autograph with him. Wow, that's incredible. So we are meeting a celebrity from India. Yes, yes, he's a celebrity. And your names? My name is Maria. Oh, Maria, wow, beautiful name. Myself, Hannah. Oh, Hannah. Wow, amazing name. Thank you. पर पप्पू इसके नाम में हाँ भी है और ना भी है। एक्चुअली वी बोथ आर फ्रॉम इंडिया। वाओ इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। ओह यू हैव बीन टू इंडिया? यस या। ओह यस। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू इंडिया प्लीज कम टू मुंबई। We stay in Mumbai in Goregaon. There is one Gokul Dham Society. Gokul Dham? You can come there with your crew. Yes, yes. And we can have your performance in Gokul Dham Society. Oh, yes, yes, yes. And you will meet everybody in Gokul Dham. And he is a very, very, very big performer. He dances very well. Amazing. I would love to. Aaj shaam ko 5 baje deck 16 pe hamari mulaqat hogi. और आप लोग ठीक वक्त पर पहुंच जाना। अगर आप लोग ठीक समय पर नहीं पहुंचे तो वापस इंडिया जाने का खर्चा आप ही लोगों को करना पड़ेगा। मैंने अलग अर्थ है। हाँ, ये क्या बात हुई? अरे मैं तो लिखावा पढ़ रहा हूँ भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। देखा, मैंने पहले ही बोला था ये खर्चा करवा के रहेगा भाई। और एलेक्स के पास आपके लिए खास गिफ्ट और मैसेज भी है। अच्छा, कहाँ है? ये तो गिफ्ट है नहीं। Do you have some gift for us? Of course, just a minute. Here is your gift. Huh? Who sent this and what is the message? I'm Kao, Gutli Ahmad Gino. Really? Have a nice day. I'm Kao, Gutli Ahmad Gino.